तो गाइज हमको जाना है एक सभा में, तो अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है। रोहित आ चुका है यहाँ से, अभी मेन हाईवे निकलेगा पाली जोधपुर वाला। तो गाइज शाम के टाइम तो और भी मस्त लग रहा है क्योंकि लाइटिंग भी हो चुकी है। गड्डी के पीछे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम, जय दादाजी साहब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी नहा धो के तैयार हो चुके हैं और कल रात को यहाँ छत पे सोने की इच्छा थी, लेकिन मैं आया भी था, बिस्तर भी किया, फिर मच्छर काटने लगे और गर्मी भी थी, तो फिर नीचे पॉल में सो गया फिर नीचे जाके। तो ये हमारा गाँव है, अभी छत पे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सब जॉइंट में ही है एक दूसरे की छत, तो ऐसा कुछ हमारा गांव है और गांव में आरती भी चालू है सामने मंदिर में। और अभी दूध लेने जाना पड़ेगा, तो एक बर्तन लेते हैं और चलते हैं दूध लेने। अभी डेयरी आ चुकी होगी तो यहाँ दूध ऐसे ही मिलता है, थैली वाला भी मिलता है, लेकिन कल लाया था वो, तो अभी चाय पानी हो चुकी है तो एक लीटर लाद देते हैं। दिन में मेहमान वगैरह आएंगे तो मेहमान आएंगे तो दूध तो चाहिए घर में चाय पानी के लिए, तो चलते हैं दूध लेके आते हैं अभी। तो ये अभी अभी मैंने नए कपड़े लाए हैं तो डाल दिए, तो कमेंट में बताइएगा कैसा है, कैसे लग रहे मेरे ऊपर, अच्छा लग रहे नहीं। सब लोगों ने तो ना ही बोला कि अच्छा नहीं है शर्ट, लेकिन मुझे तो पसंद आए और मस्त भी लग रहा है। और सब लोग उठ चुके हैं, ये रहे उज्जवल सिंह। ओ उज्जवल सिंह, दूध लेने जाना है? अच्छा, मुझे बर्तन दे रहा है, लाओ लाओ दूध लेके आते हैं, इसमें दूध लेके आते हैं अभी। अच्छा लीटर लाना है, इसमें नहीं आएगा। तो गाइस मोजड़ी मैंने गाड़ी में ही रख दी थी, तो अभी चाहता हूँ गाड़ी में और मोजड़ी लेके आता हूँ। ये हमारे पीछे का एरिया है, सामने का भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये रही अपनी गड्डी और ये अपने बाप दादों की जमीन। सामने वहाँ लेटरिंग बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। यार नीचे मैंने रखी थी मोजड़ी, तो ये निकालते हैं। अरे कहाँ फंस गई है, ब्लैक एंड क्रीम मैचिंग हो रहा है कपड़ों में। कपड़ों में मैचिंग भी हो रहा है गाइस। तो अभी चलते हैं दूध लेके आते हैं। तो गाइस चांदी की गाय दिखाते हैं आपको, गाइस चांदी की गाय और उनका छोटा बच्चा। तो ये हमारे दीदी को मिले थे शादी में, तो यही है, तो वो ले जाएंगे। दादाजी ने दी थी चांदी की गाय, ये मम्मी पापा ने दी थी, ये छोटी छोटी गाय, और दादाजी ने बड़ी वाली दी। अब लेके जाएंगे, हाँ इधर ही थी, तो आएंगे अभी होली पे तो लेके जाएंगे। और ये हमारा एक रूम है जहाँ सब तिजोरी सब, ये मैं बैठा हूँ, पलंग सोफा सेट पलंग सब यही है। तो चाय आ चुकी है हमारी सुबह की, तो अभी चाय पीते हैं और फिर दूध लेके आते हैं। तो गाइज अभी ऑलमोस्ट आठ बज चुके हैं, तो अभी डेयरी आ चुकी होगी, तो अभी दूध लेके आता हूँ मैं। तो ये है हमारी पॉड, रात को यही सो गया था मैं, फिर ऊपर मच्छर काट रहे थे इसलिए। और ये मेन एंट्री है घर की, और गेट खोलते ही माता का, गौ माता का दर्शन हो चुका है।
अभी चलते हैं। ये हमारा मोहल्ला है और ये रहा अपना घर गांव का। गांव की गलियां, गांव में कुछ अलग ही सुकून है गाइस, का अलग ही सुकून है। यहाँ सुकून है, गांव में सुकून है। तो गाइस दूध ले लिया, अभी चलते हैं घर। तो गाइस गाड़ी को साफ कर देते हैं क्योंकि गनाई तो में जाना है, तो अच्छा लगना चाहिए, वट पड़ना चाहिए ना, वैसे भी सफाई तो करनी चाहिए गाड़ी की। तो कपड़ा उठाते हैं और सफाई करते हैं गाड़ी की। और ये शर्ट मस्त लग रहा है मेरे पे, नीचे ब्लैक जीन्स, यहाँ पीछे से अच्छा दिखेगा। ये देखिए हिंदू। तो गाइज हमको जाना है एक सभा में, तो अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, तो जाएंगे सभा में, तो चलते हैं अभी। गाइज मैं सभा में जाके आ चुका हूँ घर, और अभी हमको जाना है जोधपुर। तो ये सामान कुछ एक्सचेंज कराना है, फॉल्ट वाला है, तो ये एक्सचेंज करवाते आएंगे, और भी सामान लेना है, तो हम जा रहे हैं गाड़ी लेके, मम्मी मैं और मंजू काके, तो हम तीनों जा रहे हैं। तो फटाफट गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं जोधपुर, दोपहर हो चुकी है, तो जोधपुर जाके। तो गाइज अभी निकल चुके हैं जोधपुर के लिए, और ये बैठे है मम्मी जी, और ये पीछे बैठे मंजू काके। तो अभी चलते हैं नॉन स्टॉप सीधे जोधपुर। और गाइज ये है हमारे गांव की स्कूल, पापा जी यहाँ ही पढ़े थे बचपन में, ये हमारे गांव की स्कूल है। उसके बाद डीसा गुजरात में पढ़े हैं 10वीं क्लास। रोहित आ चुका है यहाँ से, अभी मेन हाईवे निकलेगा पाली जोधपुर वाला। हमें एक पानी की मोटर लेनी है, तो यहाँ रुके हैं रोहित पे देखने के लिए कैसी लेनी है क्या लेनी है। मार रहे हों देख कि चलाओ कोने के चलाओ को हां ए साहब आगे 3-4 बार पड़ी दे दे मैंने तो खण समझे रोन बाकी तरफ को। तो गाइस यहां पावता हमने पूछ लिया है, तो अभी देखते हैं रिटर्न में आके लेते हैं, लेकिन नहीं तो रिटर्न में आके देखते हैं, नहीं तो वहां भी बाता पूछे कि जहां से सस्ती पड़ेगी वहां से लेंगे। तो अभी चलते हैं जोधपुर। सिटी में एंटर कर चुके हैं, अभी मोटर के लिए पूछताछ चल रही है, तो मम्मी अभी गई है मोटर की दुकान में पूछताछ करने के लिए, और मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर ही, क्योंकि सिटी है भाई, कोई मामू लोग लॉक लगा दे ताले को, अपने टायर में लॉक लगा के चले जाए तो तकलीफ वापस, इसलिए अंदर ही बैठे रहते हैं। और फिर जाएंगे खरीदी करने के लिए कपड़े की। जोधपुर सिटी बहुत बड़ी सिटी है। तो गाइज मोटर फिटिंग हो चुकी है और आगे रख दिए, मोटर ले लिए क्योंकि अभी खींचने को जोर आता है, खींचने पानी खींचने का जोर आता है, तो मोटर ले लिए। तो गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं घंटाघर,
पहुंच चुके हैं जोधपुर में खरीदी करने के लिए, और कौन सा एरिया है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप भी आ जाओगे मेरे तरह। ये सबको मालूम है कि ये कौन सा एरिया है, जिसको देखा है उसको सबको मालूम है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने देखा है उनको सब। ये फेमस शाही समोसा अरोरा नमकीन, ये नमकीन की। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, और जिन जिन को पता है ये जगह तो कमेंट में बताइएगा कौन सी जगह है ये। ये और वो सामने किला है जोधपुर का। तो गाड़ी को यहाँ पार्किंग लगा दिया है। तो गाइस गुलाल की खरीदी कर दी है हमने, होली आ रही है इसलिए गुलाल भी ले लिया इसमें, और पक्का वाला भी कलर ले लिया डब्बी में। तो गाइस शाम के टाइम तो और भी मस्त लग रहा है क्योंकि लाइटिंग भी हो चुकी है। फॉरेनर्स भी आते हैं देखने के लिए। गाइस बहुत सारे फॉरेनर्स जा रहे हैं, फॉरेनर्स फिरंगी। अभी भूख लगी है तो अभी नाश्ता करते हैं। तो फेमस दुकान है यहाँ की शाही समोसा अरोड़ा नमकीन। तो यहाँ का समोसा और कचौरी मिर्ची वड़ा सब फेमस है। गाइस कढ़ाई भी कितनी बड़ी है, शाही समोसा है तो शाही कढ़ाई भी होगी। अभी टाइम हो चुका है इनका बंद करने का। तो गाइस अभी सब मार्केट भी बंद हो चुका है, और रात में तो बहुत मस्त लग रहा है, रात में तो और भी बढ़िया लग रहा है। सामने वहाँ है जोधपुर का किला। तो गाइस हमारी ऑलमोस्ट खरीदी सब हो चुकी है, अभी हम जाएंगे घर। तो अभी ब्लॉग को मैं ऐड करता हूँ, डू सब्सक्राइब, बाय।